प्यार रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, ये तो जिंदगी का फेस्टिवल है। और अगर आप जिंदगी में प्यार चाहते हैं तो जश्न मनाएं पल पल, और फिर होगा हर पल फेस्टिवल। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से दिल की बातें के एक बेहतरीन एपिसोड में, हर पल फेस्टिवल। वेल, फेस्टिवल वर्ड अपने आप में ही बहुत सारी खुशी ले आता है। फेस्टिवल्स के आते ही छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। न्यू ड्रेसेस, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, ब्राइट लाइट्स, यमी फूड, ये सारी चीजें बहुत सारी खुशी देती हैं। लेकिन रियल हैप्पीनेस मिलती है जब हम इन फेस्टिवल्स के टाइम पर अपनों के साथ कनेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप कैलेंडर में डेट्स देखकर सेलिब्रेट करते हैं? आई मीन बर्थडे, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स, वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे। हाय, जिंदगी के हर पल को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें ना। यू नो, पहले के टाइम में जब भी बारिश आती थी तो अक्सर लोगों के घरों में पकौड़े बनते थे, तो ये क्या किसी सेलिब्रेशन से कम होता था? फैमिली के साथ बैठना, हंसना, बोलना, बच्चों के साथ खेलना, खुद बच्चे बन जाना, शॉपिंग करने जाना, किसी पार्टी में तैयार होकर जाना, किसी का आपको कॉम्प्लीमेंट दे देना, आई मीन ये सारी छोटी छोटी बातें डेली लाइफ में बहुत खुशी ले आती हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी जश्न के लिए या किसी स्वाद को चखने के लिए किसी खास पल का होना जरूरी नहीं होता, हर पल खुशी का होता है, हर पल फेस्टिवल होता है। क्योंकि जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो अपने साथ ढेर सारी पॉजिटिविटी लाते हैं। तो जरा सोचिए, हर पल फेस्टिवल होगा तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और कुछ ऐसा ही सोचते हुए हमने अपने क्लब स्पाइसी शुगर्स की थीम रखी हर पल फेस्टिवल, जिसमें कि हमारे क्लब की मल्टी टैलेंटेड मेंबर्स ने अलग अलग अंदाज में बड़ी खूबसूरती के साथ सभी फेस्टिवल्स को पेश किया। होली, दिवाली, करवा चौथ, वेडिंग थीम, लोहड़ी, रक्षाबंधन, स्टैंड अप कॉमेडी ऑन डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल्स, प्यार का फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल्स को बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से पेश किया। तो आइए ना, आप भी हमारे इस जश्न का हिस्सा बनिए। Let's celebrate together हर पल फेस्टिवल। इसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ कुछ इतना कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। परफॉर्मेंस यहाँ भी होगी, परफॉर्मेंस यहाँ भी होनी चाहिए, राइट? आई मीन इन्वॉल्व हो जाना हर परफॉर्मेंस में, तालियां बजाना, सीढ़ियां बजाना, जो करना चाहे अपने टेबल के पास खड़े होकर वहीं डांस भी करना, सब चलेगा। आपकी तालियों की गूंज, आपकी तालियों की गूंज डॉक्टर डैन के थप्पड़ की गूंज से ज्यादा तेज होनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो उसकी शुरुआत होती है ईश्वर के नाम से। तो बस गणेश वंदना की खूबसूरत प्रस्तुति से हमने की एक शानदार शुरुआत, जिसे और खूबसूरत बनाया हमारी गॉर्जियस ब्यूटीफुल गर्ल्स शिल्पी वाष्णेय और शिल्पा भाटिया ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से। मूंगफली की खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल दी खुशी ते अपनों दा प्यार, मुबारक हो सारिया नूं लोहड़ी दा त्योहार। और लोहड़ी की प्रस्तुति लेकर आई हमारी एवर गॉर्जियस एंड वाइब्रेंट लेडीज रेनू लांबा एंड डॉली विच। हमारे मेंबर्स में टैलेंट्स की कमी नहीं, नई नई बातें सीखने में माहिर हैं, तो बस स्टैंड अप कॉमेडी का तड़का लगाया हमारी स्टनिंग स्पाइसी शुगर्स राइनो, सॉरी राइना सिंह ने। कट लो यहां से, बहुत बेइज्जती होने वाली आज तो। फिर वहां सोचा नहीं यार, खुले आम कराते हैं बेइज्जती, आप लोग ही तो हो अपने। जिस तरह से बसंत आते ही पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है,
उसी तरह से होली का फेस्टिवल हर किसी के मन में खुशी भर देता है, एनर्जेटिक कर देता है। तुम भी झूमो मस्ती में, हम भी झूमे मस्ती में, शोर हुआ सारी बस्ती में, झूमे सब होली की मस्ती में। और होली पर ये खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आई आर वेरी ब्यूटीफुल स्पाइसी शुगर प्रियंका लाल। आज सजी हूँ दुल्हन सी मैं, कब तू आएगा पिया, अपने हाथों से पानी पिलाकर कब गले लगाएगा पिया, चांद की पूजा करके करती हूँ मैं दुआ, तुम्हारी सलामती की, तुझे लग जाए मेरी भी उम्र, गम रहे हर पल तुझसे जुदा। करवा चौथ की बेहतरीन प्रस्तुति लेकर आई हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल स्टार्स ऑफ द मंथ दीपा बरेजा, सलोनी चुप, निधि चुप एंड अंजू अरोरा। ज्यूरी के साथ साथ सभी का दिल जीत गई इनकी ये ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई बहन का प्यार। और इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग शीनू कोहली और एकता सिंह का रक्षाबंधन का त्योहार। पहाड़ों की जिस्म में बर्फ की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जीवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत की मंजर। पर कुछ सालों पहले इस मंजर पर ग्रहण सा लग गया था, पर हमारे भारत में प्यार का रंग नफरत से बहुत गहरा है। और अब सालों बाद कश्मीर में फिर वही खुशबू है, वही रौनक है, वही खुशनुमा माहौल है, और जहां प्यार वही फेस्टिवल है। इसी को सेलिब्रेट करने आई हमारी खूबसूरत बेहतरीन अदाकारा स्टार्स ऑफ द मंथ मंजरी, अर्चना, माधुरी, अंजलि एंड गरिमा। आज प्रिया और अजय का लगन है, पर शादी के मौके पर आतंकवादी हमला हो गया। अब सब मियां प्रिया और अजय को बचाते बचाते शहीद हो गए। एक बार फिर एक परिवार की खुशियां शहीद हो गई। देश ये मेरा, बहुत से रंग, बहुत से स्टेट्स, जुदा है खाना, जुदा पहनना, अलग है कल्चर और फेस्टिवल, फिर भी हम सब हिंदुस्तानी, फिर भी हम सब एक हैं। अनेकता में एकता ही मेरी पहचान है, मैं बिहार का हूँ, खाना साउथ का पसंद है, लोग पंजाबी, गाने हरियाणवी और लड़कियाँ दिल्ली की पसंद है। और अब आई आग लगाने हमारी धमाल चौकड़ी गॉर्जियस एंड ग्रेसफुल झारखंड से, पुष्पा पुप्टानी महाराष्ट्र से, रानी रिलन पंजाब से, रेमी सेतिया गोवा से, रीटा जग्गी कश्मीर से, रजनी सागर, रिजा जटाना असम से, एक माइंड ब्लोइंग प्रस्तुति के साथ। फेस्टिवल सिखाने का इंस्टीट्यूट और एक विदेश से सालों बाद आई लड़की, दोनों की ये मजेदार नोकझोंक वाली स्किट सबका दिल मोह गई, सबको खूब हंसाया। और इस मैजिकल परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ मैं वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड गर्ल्स तनुजा मांगलिक और रायना सिंह का। लेकिन
तो आप मेरे को यहाँ के रीति रिवाज के बारे में सिखाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा आपको यहाँ के रीति रिवाज नहीं आते, वहाँ के तो आते। दीप से दीप जले तो हो दीपावली, उदास चेहरे खिले तो हो दीपावली, बाहर की सफाई तो हो चुकी बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दीपावली। और दीपावली त्योहार जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, उसे अपने अंदाज में सजाने आई मल्टी टैलेंटेड ब्यूटीफुल चार्मिंग गर्ल नीतू चौधरी, जो लेकर आई मेडली ऑन दीपावली। वेल, फेस्टिवल्स क्या है? फेस्टिवल का मतलब है सेलिब्रेशन, कुछ स्पेशल डेज को स्पेशल लोगों के साथ में एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। लेकिन बीते दिनों में दुनिया बदल गई, इस वक्त ने हमें क्लियरली समझा दिया कि जिंदगी का हर पल जश्न मनाने लायक है। हर आने वाली सांस अपने आप में एक फेस्टिवल है, हर पल जीने के लिए है, प्यार करने के लिए है। लव यू जिंदगी। और इस जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस को लेकर आई स्टनिंग ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गर्ल्स रिम्पी, पूजा, शिखा, सिमरन, शिल्पा एंड एकता विद आवर लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर पल फेस्टिवल। हॉल को एनर्जेटिक कर गई, सबको नचा दिया, आग लगा दी, झंडे गाड़ दिए, स्टेज फाड़ दी। सीरियसली मजा आ गया, सही कहा ना? तो एक बार आप भी अपने घर पर ही बैठकर जोरदार तालियां बजा दें हमारे सारे स्टार्स ऑफ द मंथ के लिए। और याद रखें दोस्तों, बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में हम कभी कभी छोटी छोटी असली खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज से खुद से वादा करें, हर पल हंसना है, हर पल मुस्कुराना है, नाचना है, गाना है, क्योंकि हर पल फेस्टिवल मनाना है। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, खुशियां बिखेरते रहे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ना, अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।